नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। हत्या के मामले में आजीवन कारावास, 8 साल बाद आया फैसला। पीट पीट कर युवक को मार डाला था। बात 7 मई 2015 की है, मऊगंज थाना अंतर्गत मऊगड़ा गांव की, जहां पर एक आरोपी ने एक लड़के को पीट पीट कर मार डाला था। पूरा घटनाक्रम हम आपको बताते हैं। इस बारे में हमें शासकीय लोक अभियोजक राकेश निगम से मिली जानकारी के अनुसार कुछ कहानी इस तरीके से निकलकर सामने आई। मऊगड़ा गांव के नीलेश बसोर पिता मोतीलाल बसोर 7 मई की सुबह अपने घर से निकला था लकड़ी बीनने के लिए गांव में। आमतौर गांव वाले जंगल से लकड़ी बीन कर लाते हैं, जिससे उनके घर में खाना बनता है, 2 वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम होता है। रास्ते में यज्ञपाल पटेल पिता बैजनाथ पटेल ने किसी बात पर नाराज होकर नीलेश बसोर को लात घूंसे से जमकर पीटा। तब तक पीटता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हुई। 7 मई को सुबह ही मऊगंज थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस तेजी से सक्रिय हुई, मौके पर पहुंची। हत्या का मामला था, पंचनामे की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस जांच में जुट गई। मऊगंज थाने में अपराध क्रमांक 110/15 के तहत प्रकरण मामले की जांच की गई। मामला अदालत में पेश किया गया, जहां मामले में आज विशेष न्यायालय ने फैसला सुनाया है। सीएम उपाध्याय की अदालत ने फैसला सुनाते हुए उसको 302 SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, 325 अधिनियम 325 के तहत, धारा 304 2 भारतीय दंड विधान के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई, साथ ही ₹100 का जुर्माना। वहीं दूसरी और धारा 325 अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अजन कारावास की सजा सुनाते हुए ₹100 का जुर्माना भी किया है। इस बारे में हमने विशेष लोक अभियोजक राकेश निगम से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। जी बताइए, क्या है मामला? घटना 7/5/2015 की 7:30 बजे की है। मोतीलाल बसोर का लड़का नीलेश बसोर महुगड़ा गांव में लकड़ी बीनने के लिए बगीचे में गया था, जिस पर आरोपी यज्ञपाल पटेल ने उसके साथ मारपीट की, और जिस मारपीट की रिपोर्ट थाना मऊगंज में की गई। थाना मऊगंज में रिपोर्ट करने के बाद और उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसको मृत घोषित कर दिया गया। माननीय विशेष न्यायाधीश श्री सीएम उपाध्याय के सामने प्रकरण चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्यों की विवेचना के दौरान अपराध प्रमाणित पाया गया, जिसमें माननीय न्यायालय श्रीमान सीएम उपाध्याय साहब ने 304A में 7 वर्ष की सजा, ₹100 जुर्माना, 325 में आजीवन कारावास और ₹100 का जुर्माना से दंडित किया है।